इस वीडियो में मैं आपको पिछले हफ्ते जो 16 तारीख को मैंने बैंक निफ्टी के लेवल्स एडवांस में दिए थे उन्हीं लेवल्स की परफॉर्मेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं किस तरह बैंक निफ्टी ने इस वीक में, इस एक्सपायरी में हमारे जो लेवल्स एडवांस में दिए गए थे उनको किस तरह से परफॉर्म किया है या उसकी परफॉर्मेंस किस तरह रही है, उसमें हमें नफ़ा नुकसान क्या हुआ है उसकी जानकारी लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए चार्ट मैंने बना रखा है, लेवल्स मैंने डाल रखे हैं। उससे पहले मैं आपको लेवल्स दिखा दूं निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, सॉरी। उससे पहले मैं आपको लेवल्स दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये मेरे लेवल्स हैं, ये पिछले हफ्ते मैंने जो दिए थे, ये अभी के हफ्ते के लिए है, अभी की एक्सपायरी तक के हैं। तो इन लेवल्स को आप नोट कीजिए और अपने चार्ट पे 15 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट, हेकेनेशी कैंडल्स चार्ट पे इनको हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दीजिए। ये ग्रीन कलर की ग्रीन कलर लाइंस ड्रॉ करिए, पिवोट की ब्लैक कलर कीजिए, सपोर्ट की रेड कलर की एडवांस में ही कर दीजिए अभी जो आने वाली एक्सपायरी के लिए। तो आपको पता लगेगा कि हमारा बैंक निफ्टी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ठीक है। इससे आपको आइडिया लगेगा, जिस तरह से पिवोट काम करते हैं उसी तरह से ये भी काम करता है दोस्तों। ये वाले लेवल्स मेरे पिछले हफ्ते मैंने दिए थे, इन लेवल्स की अब हम परफॉर्मेंस देखेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे दोस्तों। ये है हमारा चार्ट, यहाँ से हमारा जो है फ्राइडे से शुरू हुआ था 17 तारीख से। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये DI प्लस लाइन ऊपर है और हमारा जो क्रॉसओवर यहाँ बन गया था, साथ ही साथ हमें सिग्नल यहाँ पे मिला, देख सकते हैं आप। जब जब यहाँ पे भी 25 नहीं हुआ है, यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे हमारा जो है 20,359 है प्राइस, 20,359, और हम बने रहे बने रहे बने रहे। अब देखते हैं वो देखिए दोस्तों, ये DIMA लाइन और ये नज़दीक नज़दीक आ रही है, ठीक है। तो ये जैसे ही ये देखिए, इसने लेवल को तोड़ दिया यहाँ पे, या 25 के नीचे चल गई, ये लगभग लगभग यहाँ पे ये नीचे आ गई 20 तक। तो यहाँ पे हम एग्ज़िट कर जाएंगे, तो एग्ज़िट करेंगे तो ये कितना था, 559 था ना, 359, सॉरी दोस्तों, 359। ये कितना है, 359, 359, और जब 20 पे आ गए ये कितना है, 359, ये नीचे गया 19,880, 359, 270 और 130, 270, 400 पॉइंट का हमें यहाँ पे नुकसान हो गया। तो हम 400 पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेते हैं दोस्तों। ये बैंक निफ्टी का है, -400, ओके, एक ट्रेड में -400 गया, यानी कि 8,000 रुपये का हमें लॉस हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं किस तरह आगे मार्केट चलती है, ठीक है। यहाँ पे फिर गए गए यहाँ पे हमें फिर ADX हमें ये देखिए यहाँ पे हमें बाई सिग्नल दे दिया, फिर हमने बाई किया 20,737 पे, ठीक है। 20,737 पे हमने बाई किया और यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे बीस हजार 500 पे हमने एग्ज़िट किया, क्योंकि ये क्रॉसओवर मिल गया हमें यहाँ पे। यहाँ पे कितने में बाई किया था, यहाँ पे 737 और 737 और 537,
सैंतीस और पाँच 400 500 ही मानिए, 737 500 मतलब 237 पॉइंट का यहाँ भी मैं नुकसान, 240 पॉइंट लिख लेते राउंड फिगर में, माइनस 240 ठीक है, फिर से हमें नुकसान हो गया, तो टोटल 640 पॉइंट हमें नुकसान हुआ दोस्तों। अब देखते हैं कि अब जाके देखिए यहाँ पे हमने सेल किया था तो दो लॉट सेल कर दिए हमने, ठीक है, यानी कि हम सेल साइड आ गए। अब एक पहले का हमें बाय था उसको सेल कर दिया और एक और हमने सेल कर दिया, तो कितना था ये 20,500 मान के चलिए, 20,500 पे हमने सेल किया, देखिए क्रॉस ओवर हमें कहाँ मिल गया 20,500 पे, तो 19,350 मानिए लो, या 19,554 यानी कि 19,600 ठीक है, 19,600 और ये हमारा था 500, तो यानी कि 900 पॉइंट हमें यहाँ मिल गए दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आ रही होगी आपको वीडियो, चाहे तो मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 20,500 यहाँ पे हमने, ये देखिए ऊपर देखिए लो कितना है 20,494, तो 20,500 हमने माना इसको, ठीक है 20,500, और यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर मिला, तो ये देखिए हाई कितना है 20,554, तो हमने 600 माना, तो कितना है 500 पॉइंट उधर और 400 ये, तो 900 पॉइंट हो गए इस तरह से, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बने रहे क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे हमने एक मतलब एक लॉट हमने सेल में दे, तो एक हमने बाई किया और साथ में दोबारा एक लॉट हमने बाई कर लिया। अब बाई किया कितना पे आपको पता ही है 19,600 पे, 19,600 पे देखिए अब ये क्रॉस ओवर चल ही रहा है, ठीक है। अब देख रहे हो कि यहाँ पे नीचे आया लेकिन ये नीचे के लेवल को तोड़ नहीं पाया, और फिर यहाँ से ऊपर ठीक है, तो 19,600 से हमने बाई किया था, ये हाई कितना है देखिए 19,600 या और 20,350, 19,600 यानी कि 750 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 750 पॉइंट मिले। अब देखिए दोस्तों इसका परफॉर्मेंस आपको सामने दिख रहा है, ठीक है, मैं कोई छुपा नहीं रहा, 1010 पॉइंट। अब 1010 पॉइंट का आप अगर देखें इसको एक लॉट में कितना होता है 20 होता है, 20 तो मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया हमने, तो ये हो गया 20,200 आपको यहाँ मिल गए। निफ्टी में हमें आपको 31,000 मिले थे, इसमें आपको 20,000 मिले, तो कितना हो गया 51,000 एक हफ्ते में आपको मिल गया। तो लेवल्स की ये इस तरह से ट्रेड करें लेवल्स को, और ADX और DMI का यूज़ करें। जिन लोगों ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है हाउ टू यूज़ ADX टू अर्न रेगुलर प्रॉफिट, वो देख सकते हैं पार्ट वन पार्ट टू, और प्रॉफिट कमाइए दोस्तों। और ये देखिए ये मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वीडियो में, सॉरी ये 116,000 आपको निफ्टी में लगेगा मार्जिन डिलीवरी के लिए, और 88,000 के लगभग आपको बैंक निफ्टी में लगेगा। तो अगर 88,000 के में आपको 20,000 मिल रहे हैं, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 15-20% आपको मिल रहे हैं। तो ये थी मेरी बैंक निफ्टी लेवल्स की परफॉर्मेंस दोस्तों। आशा कर रहा हूँ कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होगी, अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें उन पर, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह आपको आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस समय समय पर लाता रहूं। आशा करता हूं कि आपका प्यार मुझे इसी तरह मिलता रहेगा दोस्तों, धन्यवाद,
मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में जल्दी।